800 850 एक्टिव केसेस पर आ गए थे, अब वो फिर लगभग 9000 के आसपास पहुंच गए हैं और डेली 800 900 800 900 नए जो केसेस जो हैं वो और कोरोना एक्टिव ये होते हैं। हमने सब सावधानियां बरती हैं और दोबारा से उसके ऊपर हर दिन चिंतन होता है कि आगे इसमें और नई सावधानी क्या बरती जा सकती हैं। कुल मिलाकर के मास्क पहनने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सैनिटाइजेशन की बात, ये सब चीज़ें हम इसको फॉलो करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हमारा जो सभी डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही कल 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि MSP से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है, सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी। लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। प्रोक्योरमेंट के संबंध में छोटे मोटे विषय कई बार उठते रहे हैं। इस बार हमने एक SOP बनाया है, वो पुस्तक तो नहीं मंगवाई, मंगवा के सब बंटवा दें। SOP हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आढ़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया है, हमने जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस ना रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 48 72 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उस के बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। एक समाचार पत्र में हमारे किसी बंधु ने छाप दिया अपने में से ही कि किसान जो है वो आढ़ती को आढ़त देंगे, ये गलत है। हाँ, आढ़त तो जो है वो सरकार ही देगी, आढ़ती की आढ़त तो वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आढ़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे, लेकिन आढ़ती आढ़त जो है वो किसान के लेन देन का विषय नहीं है, वो तो सरकार के साथ है। तो आढ़त जो है वो सीधी सरकार की ओर से ही मिलेगी उनको, तो ये स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको बताया। आज के बातचीत में दो मुख्य विषय मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जिस दिन हम लोग मनाते हैं, इस बार मैंने घोषणा की थी कि 2021 का पूरा वर्ष ये हम गुड गवर्नेंस डे ये वर्ष मनाएंगे। और गुड गवर्नेंस में बहुत से इनिशिएटिव्स हरियाणा प्रांत में ऐसे हमने लिए हैं जो शायद दूसरे प्रांतों ने नहीं लिए हैं। बीच बीच में अलग अलग से आपको उसकी जानकारी हम देते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अभी तक जितने हमारे गुड गवर्नेंस के इस वर्ष 1.5 वर्ष में जो जो काम हमने नए किए हैं उसका उल्लेख करूंगा। कहीं कहीं कोई आंकड़ा ही मुझे बताना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको उसका जरूर बताऊंगा। पहला विषय तो यह कि सुशासन का अर्थ ये है कि जहाँ कोई सत्ता का कोई
कुछ लोग उसका भोग करें, चाहे राजनीति में हो चाहे राजनीति से बाहर भी कुछ लोग उसकी भोग करने की एक लालसा बनी रहती है, उस प्रकार के जो लगातार सिस्टम बने रहे। हमने शासन का मतलब सेवा भाव, हम जनता की सेवा कैसे करें, डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, हमारा ये फोकस रहा है। तो डिलीवरी सिस्टम को देने के लिए जो हमने कई काम किए हैं उसके अंदर एक बड़ा काम है वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज़्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। उसी में हमने एक बड़ी योजना जिसका कल से ही एक प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1,00,000 परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13,000 परिवारों का आय का जो जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1,00,000 परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज़्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियाँ हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने, और जहाँ कहीं सरकार में आवश्यक होगा उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई दो पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां अपने को जैसे बताया कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी, ये भी हमारा अपने आप में एक यूनिक एक प्रोजेक्ट जिसमें न पर्ची न खर्ची ऐसा एक विषय है, सारे देश में इसकी जानकारी लोग हमसे लेते हैं कि आप इसको कैसे संभव कर पाए हैं। इसी प्रकार एक योजना हमने ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा इसकी मुक्ति स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और मुझे खुशी है कि हमने वो एक गांव से जो शुरू की थी उसको सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया है, ताकि लाल डोरा के अंदर की जो प्रॉपर्टी है लोगों की जिसके बहुत झगड़े लोगों के होते हैं उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बन जाए, और उसमें उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड बनने के बाद एक मलकियत उनकी अपनी हो जाए जिसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। झगड़े खत्म होंगे, बैंक से कोई फाइनेंस करा सकता है, और उसको बेचना हो तो आसानी से अच्छी कीमत पर बेचता भी है, इसके कारण से गांव की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसलिए ये एक स्वामित्व योजना ये हमने शुरू की। ऐसा पानी बचाने का एक संकल्प हमने लिया है कि पानी का प्रबंधन ये अच्छा किया जाए, बल्कि उसके लिए तो बजट में हमने कहा है कि ये 2 वर्षीय जल प्रबंधन योजना 2 साल की योजना बनाएंगे, जिसमें पानी की एक एक बूंद इसको बचाना, और उसको मानो अगर गंदा पानी है या रीयूज जिसका है उसको रीयूज करने के लिए 25% का टारगेट हमने रखा है इस बार के। 25% पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसका उपयोग, चाहे इरीगेशन के लिए, चाहे इंडस्ट्री के लिए, चाहे बागवानी के लिए, जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी उसका हम उपयोग करेंगे। इसमें हमने मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना भी चलाई, ताकि किसान वो पानी का कम उपयोग करे, और जो डार्क जोन हो गए हैं उसके अंदर पानी का दोहन वो कम करेगा तो उसको भी लगना चाहिए कि मेरी जमीन बिना पानी के इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है,
मैं अपने लिए आने वाली पीढ़ी को जमीन के साथ पानी का भी प्रबंध करके जाओ कि पानी भी बचा रहना चाहिए। उसके लिए रिचार्जिंग के हमने प्रोजेक्ट चालू किए हैं, धान की बजाय अन्य फसलें लोग बोएं उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिए हैं। तो एक ये नई योजना हमने की है। फसल का ठीक ब्यौरा ये किसानों का बना सकें और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़ के बना सकें। आज किसान जो है उसकी ठीक परिभाषा इसका भी एक अभाव है। आज वो जमीन का मालिक है, खेती करता है कि नहीं करता है, किसान उसी को माना जाता है। हम उस पर नए प्रकार से आ रहे हैं। मालिक होना एक चीज़ है, खेती करना दूसरी चीज़ है। वो स्वयं जो मालिक है वो खेती कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, तो वो ओनर ऑफ द लैंड कहलाएगा। लेकिन जो काश्तकार है, अगर वो मालिक खुद काश्तकार है तो किसान भी होगा, अगर वो खुद काश्तकार नहीं है तो जो खेती करता है चाहे उससे ठेके पर लेकर करता है, बटाई पर लेकर करता है, तो वो जो है किसान वास्तव में वो कहलाएगा। और अभी तक ऐसे किसान जो खुद भू मालिक नहीं है उनको बहुत कठिनाई होती है। जितने मुआवजे हैं, जितनी सेल प्रोसीड्स हैं, ये उनके खाते में नहीं जाते। हमने बदल करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जो खेती करता है उसका अलग से उल्लेख करके सारे लाभ उसको देने के लिए शुरुआत की है। इसके लिए बहुत जल्दी एक लेजिस्लेशन भी लेके आएंगे हम। उस लेजिस्लेशन में भी आज जिनको खतरा ये रहता है कि हमारी गिरदावरी के कॉलम में केवल मालिक का ही नाम होना चाहिए, दूसरा होगा तो उसको खतरा हो जाता है कहीं मेरी ज़मीन पर कब्जा ना हो जाए, हम उस लेजिस्लेशन से उनका भय भी दूर करेंगे कि जो खेती करता है वो किसान है, वो मलकियत से उसका कोई संबंध नहीं है। मालिक हो भी सकता नहीं भी हो सकता, या जो मालिक है वो किसान हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो ऐसा एक बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट ये हम नया लेकर के आए हैं। किसान वो मालिक है, खेती बटाई पर दे रखी तो वो मालिक है। किसान तो आएगा जिससे जो खेती कर रहा है, वो उसका खेती करने के बाद आधी बटाई उसको देता है, वो उसका इनकम उसकी आधी है, लेकिन किसान जो खेती खुद करता है वो किसान है। ऐसे ही नौकरियों के लिए खास करके ग्रुप सी और डी, इसमें मल्टीपल जितनी भी डिमांड आती रहती है, हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एग्ज़ाम देना, हर एग्ज़ाम के लिए पोस्टिंग कितनी भी हों, लाखों लोग लाइन में लगते थे एग्ज़ाम देते थे, तो हमने उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये शुरू किया है। और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक प्रावधान किया है जो अब अगले इस वर्ष से शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, उसकी अंतिम तिथि अभी हमने 31 मार्च रखी हुई थी, लेकिन आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ कि वो 31 मई हमने कर दी है, 2 महीने और बढ़ा दिया है। अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है मुझे, 4,59,521 कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भर दिए हैं, जिसमें से 3,20,000 हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो हरियाणा के हैं बाहर के हैं, 1,36,000 ऐसे हैं, हो सकता है ये भी हरियाणा के हों या बाहर के हों, लेकिन जिन्होंने स्पेसिफाई किया है 3,20,000 हैं। हम इसके साथ परिवार पहचान पत्र भी जोड़ने वाले हैं ताकि उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा। जोड़ दिया इसके बगैर तो हाँ, नहीं कर रहे हैं अभी वो 1,36,000 जो ऐसे ही है। तो जो हरियाणा का दिखाएगा वो परिवार पहचान पत्र जरूर दिखाएगा, जो हरियाणा का नहीं दिखाएगा वो अभी उसके बिना भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर उसको मना नहीं कर सकते, तो रजिस्ट्रेशन तो वो भी कराएगा। 31 मई, 2 महीने और बढ़ा दी, क्योंकि अभी सारा ये जो एग्ज़ाम होंगे वो मई के बाद ही होंगे। 3 महीने तो अभी हमने जो एजेंसी हायर करनी है एग्ज़ाम के लिए, वो सारे सिस्टम के लिए उसको 3 महीने का टाइम चाहिए, वो अभी हम करने वाले हैं ताकि 3 महीने उसमें लगेंगे, और उसके बाद फिर जून के बाद फिर इस बीच में जो नए रिजल्ट्स भी लोगों के आ जाएंगे वो भी इसमें जोड़ पाएंगे मई तक। ऐसे ही ये जो IAS HCS, जो कुछ सीटें मुख्यमंत्री की मुट्ठी में होती थी, हमने वो खोल दी। हमने कहा भाई हमको अपने कोई अपने हाथ से किसी को ना IAS बनाना ना HCS बनाना, आओ जो योग्यता रखते हैं उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें जो मेरिट में आएंगे उस मेरिट के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे वो बनेंगे। और इसमें HCS तो आपको पता है एक खेप बन चुकी है, IAS भी
एग्ज़ाम होकर के उसकी एक लिस्ट UPSC में जा चुकी है, उनका प्रोसीजर है, वो जिनको सेलेक्ट करके भेजेंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक नया एक जो हमारा सुशासन का एक बिंदु। एक हमने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पासपोर्ट ये बनाने का भी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो अप्लाई करता है वो बाद में उसकी डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराता है, तो 6,800 विद्यार्थियों को निशुल्क पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। एक विचार वो जो फाइनल कर दें उसको भी, वो विचार ये है कि अभी तक तो जो अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए पासपोर्ट बना के देते हैं हम। अब एक कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी विद्यार्थी होंगे वो अप्लाई करें ना करें उन सबको पासपोर्ट देंगे। अभी इसके नीचे नहीं किया, इसके नीचे जिनको बनवाना बनवाएं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के जितने विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में हैं या कॉलेजेस में हैं हरियाणा में, उनको सबको कोई ना भी अप्लाई करे, सबका एक प्रकार से पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाएगा कि डिग्री लेके जाएगा तो साथ में पासपोर्ट लेके जाएगा। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। एक हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आपको हर डिपार्टमेंट की स्थितियां तो मालूम है ही है, सब जगह कुछ ना कुछ जो गड़बड़े हैं, एक एक चीज को, ये हमारी ही सरकार है कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है, हमको कोई शिकायत करे या ना करे, लेकिन हम उनको ढूंढ ढूंढ के उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ पता लग जाए उसकी इंक्वायरी भी कराते हैं, उसके लिए टीमें भी बनाते हैं, उसके लिए चाहे विजिलेंस हो चाहे और कोई तरीका हो, उन सबको बुक करते हैं ताकि शुद्धिकरण कर सकें। तो ये हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑपरेशन शुद्धि ये एक कार्यक्रम चलाया, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे RTOs हैं उनको नाम दिया है DTOs नए तय किए, और उसमें जो ठीक DTOs हमको हमारे हिसाब से ध्यान में आए वो सब तय किए हैं, और उसके कारण से जो रिजल्ट निकला है मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। नवंबर 19 से मार्च 20 तक कुल 9,800 चलान हुए, जिसमें से 8,823 का निपटान भी हो चुका है, 37,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये 6 महीने हैं, ये DTO 37 करोड़, ये DTO बनाने से पहले के विषय हैं, 6 महीने यानी मार्च 20 तक, और उसके बाद नवंबर 20 से और 29 मार्च, यानी यही कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इस समय का, इस 6 महीने में नवंबर दिसंबर यानी 5 महीने में, इन 5 महीनों में जहां पहले 9,000 चालान थे अब ये 25,000 चालान हुए हैं, और इसमें से 22,400 का निपटान हो चुका है और 72 करोड़ रुपए की राशि ये वसूल की गई है, यानी एक प्रकार से डबल ये राशि हो गई और डबल से भी ज़्यादा चालान भी हुए। तो ये एक परिणाम है उसका कि कुछ लोग अब थोड़ा ठीक शिद्दत से काम कर रहे हैं कि गलत काम को नहीं करने देने, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, चाहे वो ओवरलोडिंग हो किसी भी प्रकार की, या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसको ठीक करके चलें, तो एक एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं। एक योजना आगे हमारी है कि ओवर स्पीडिंग जो है कुछ एरिया जैसे हम तय करने वाले फास्ट रोड्स, जिसमें ऑटोमेटिक चलान हो, सुझाव तो यहाँ तक भी आया है कि चलान की जो राशि है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। कोई यहाँ से दिल्ली जा रहा है, रास्ते में कब चलान हो गया, कब उसकी राशि बैंक से निकल गई, उसको एक SMS जाएगा, यू हैव बीन चलान अंडर दिस एंड दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अब एक सुझाव है, देखें डिपार्टमेंट के लोग इसको कितना जल्दी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम अपने सुशासन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। नहीं, अभी तो हमने ऑटो डेबिट किया नहीं है, कल से प्रोविजन हो रहा है, 1 अप्रैल से क्या ऑटो डेबिट जो होता है 5,000 से ऊपर का अगर कुछ होगा तो उसके लिए बैंक से पूछना पड़ेगा। कम वाले फिर वो पता नहीं मुझे, लेकिन ऑटो डेबिट होने के बाद अगर उसको अपील करना है तो अपील करने के बाद अगर उसका गलत चलान हुआ तो ऑटो क्रेडिट भी हो जाएगा, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कोई कह रहा है गलत हो गया जी, उसकी अपील का रास्ता है।
देखिए जिसकी गलती है तो भुगतान तो उसी को करना पड़ेगा। विदेशों में है अभी तक तो यही है, हमारे से पहले कोई ना कर जाए। फिर हमने शुरू किया रजिस्ट्रियों का ई पंजीकरण, जो एक साल पहले शुरू किया था उसमें उस जो प्रावधान किए गए थे उस समय उसमें सफलता मिली, लेकिन बाद में ये जो 7A का मामला है इसका दुरुपयोग भी हुआ है। आपको मालूम है, इसलिए हमें भी मालूम है, तो उसकी शिकायतें बहुत आई हैं, इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है उसका अध्ययन करने के बाद अब उस 7A को भी हमने चौक कर दिया है कि अब ये रजिस्ट्री 7A जहाँ जहाँ लागू है वहाँ नहीं होगी। पहले थोड़ा परमिशन लेके उसमें लूपहोल कई तरह थे, उस नाते से वो कर करा देते थे नीचे, लेकिन अब उसको लूपहोल को बंद किया है। इसकी कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सावधानी जरूर बरतेंगे कि कठिनाई भी दूर हो लेकिन उसमें कोई लूपहोल भी नहीं छोड़ेंगे ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अब इससे एक जो उसका लाभ होगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ये नहीं बन पाएंगी। अभी तो हज़ारों की संख्या में हर सरकार उनको रेगुलर करती रही है, हमने भी एक बार रेगुलर की है, अब भी रेगुलेशन का एक मूव चलाया हुआ है हमने, उनको करेंगे, लेकिन आगे न बने कम से कम कोई एक समय ऐसा ज़रूर हमें तय करना पड़ेगा कि इसके बाद इसको चेक लगे। तो हमने उसको 7A को सख्ती से लागू किया है कि 1 एकड़ से नीचे जो भी ज़मीन होगी वो रजिस्ट्री कराते समय उसका NOC लेना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर लैंड तो हो पाएगी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अनऑथराइज कॉलोनी में कहीं भी रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होगी। नहीं, उसमें अब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, जहाँ कहीं लूप होल है उसको चेक करें। भाई अगर मान लो हम सुविधा के लिए ये करें कि ऑटोमेटिक कर दें और कहीं डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल करके कोई उसको डिपार्टमेंट में चढ़ाए नहीं, डीम्ड हो गया तो गड़बड़ तो हो ही गई, इसलिए जहाँ गड़बड़ होने के चांस है उसको डीम्ड भी बंद करेंगे। सेवन ए बिल्कुल बंद, 7A में जो उचित एग्रीकल्चर की लैंड है वही होगी। और NOC जो पोर्टल है ये, उसमें जितने बकाया पेमेंट हैं उस प्लॉट के ऊपर या कोई अनऑथराइज्ड को ऑथराइज कराने के बाद भी अगर रजिस्ट्रियाँ होंगी तो जितनी उसकी पेंडिंग पेमेंट है आउटस्टैंडिंग वो सारी जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री होगी, उससे पहले नहीं होगी। वो चला रखा है लेकिन अब NOC जो एरिया 7A का है उसमें ज़रूरी है। लेकिन अब अनऑथराइज में अपने आप को कराने लग जाएगा, उसको नहीं करेंगे ना, अब जो ऑथराइज एरिया करेंगे उसी में होंगी रजिस्ट्रियाँ। CLUs जितने हैं वो भी हमने जो एक पावर मुख्यमंत्री के पास होती थी हमने वो छोड़ करके उसको ऑनलाइन कर दिया था। अब उसमें स्कूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सर्विसेज जितने भी हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारे जिसको जहाँ चाहिए वो उसको ऑटोमेटिक वहीं मिलते हैं। लेकिन जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अनऑथराइज्ड जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा चेक होकर के ही होगा। एक प्रथा, रिमांड की प्रथा, पहले रेवेन्यू कोर्ट्स में चीज़ें चलती थी, पटवारी से शुरू होती थी, पटवारी के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद SDM, SDM के बाद DC, ADC, DC, फिर डिविजनल कमिश्नर, फिर FCR, और वो चलते चलते कौन से अधिकारी का मूड थोड़ा सा बदल जाए वो कहते मुझे तो फाइल समझ नहीं आई, चल रिमांड बैक टू पटवारी। फिर वो पटवारी, उस समय तो पटवारी बदल गया होता है, वो दूसरा मूड बना चुका होता है, फिर वहाँ से फिर नया तहसीलदार के पास जाता, फिर नया ADC, फिर SDM, DC, वो करते करते फिर वहाँ तक, और फिर पता नहीं कौन सी क्वारी लग करके फिर रिमांड। सालों साल तक ये रिमांड का खेल चलता था। हमने रिमांड का खेल खत्म कर दिया कि जो भी कोई एक अधिकारी अपना निर्णय देगा, एक अपील होगी, उस सेकंड अपील में जो उन्होंने निर्णय कर दिया उसके बाद आगे अपील नहीं होगी,
इसके बाद आपने जाना तो सीधा सिविल कोर्ट जाओ, क्योंकि ये जो खेल है 20-20-30 साल का प्रॉपर्टीज का, यानी पीढ़ियां निकल जाती हैं तब तक भी ये खेल चलते रहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, ये सारे। और बहुत तकलीफ है, जमीनों के लिटिगेशन सबसे ज्यादा है, चाहे सिविल कोर्ट में है और चाहे रेवेन्यू कोर्ट में, सबसे ज्यादा। तो इनको कैसे खत्म किया जाए, उसमें रजिस्ट्रेशन का काम एक तरफ चल रहा है, लिटिगेशन खत्म करने का सिलसिला कोर्ट से भी हमारी बातचीत चल रही है कि इनको बंचेज में आप लोग कैसे खत्म कर सकते हो, करो, कोई हमको नई पॉलिसी बनानी, नई पॉलिसी बनाए, कोई एक्ट भी बनाना पड़ेगा, एक्ट भी बनाएंगे। लेकिन जैसे रुपए का लेन देन बैंक में साफ होता है, केवल होता है तो एक साइबर क्राइम हो गया तो हो गया, अन्यथा रुपया कहाँ जाना और कहाँ से आना है वो सब खाते चलते हैं, ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है वो खातों के अंदर एकदम स्पष्ट हो जाए, इसको हम आगे कर रहे हैं। लाभिया मुझे पकड़ा दे, इसका दिख नहीं रहा होगा बेचारे का माइक। अच्छा चलिए, ऐसा ना सुशासन का असर कहीं कहीं तो हो ही जाता है। एक हमने ये जो डिफरेंट स्कीम्स सरकार की, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, इसको अलग अलग ऑफिस में जाकर के अलग अलग बाबुओं के पास जाके खड़ा होना पड़ता था, और हर जगह अलग से फार्म भरो, और फिर वो बार बार चक्कर काटना, मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जितनी सर्विसेज पब्लिक को चाहिए वो सब एक काउंटर पर मिलेंगी, और उस काउंटर का नाम हमने रखा अंत्योदय सरल पोर्टल। उसको कहीं कहीं सरल पोर्टल कहा, कहीं अंत्योदय कहा, कहीं अंत्योदय सरल कहा, वो कितने टाइप की स्कीमें हैं उसको जोड़ करके अंत्योदय पोर्टल या सरल पोर्टल या अंत्योदय सरल पोर्टल। शहरों में कहीं कहीं ई दिशा केंद्र पहले खुले थे, उनमें भी ये सारी सेवाएं, सब सेवाएं एक जगह पर आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर लगभग 550 सेवाएं और योजनाओं के फार्म सारे एक ही जगह भरे जाते हैं, और उन सबको अब जोड़ दिया है परिवार पहचान पत्र के साथ, ताकि फार्म भी भरने की आवश्यकता नहीं, आपने अपना परिवार पहचान पत्र भरा और उसके अंदर सारी डिटेल आ गई, आपको व्यक्तिगत योजना का लाभ है तो किस व्यक्ति को चाहिए उसका टिक किया, ताकि उस व्यक्ति की सारी बातें पता लग गई, और उसमें आपने जिस योजना को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी, आपको योग्यता आपकी है तो आपको तुरंत मिलेगी। तो अंत्योदय सरल पोर्टल पर 41 विभागों की 450 सेवाएं और योजनाएं ये आज दी जा रही है। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, सबसे पहले शिक्षा विभाग में बनाई थी अध्यापकों की, इसके बाद ऐसे जो कैडर हैं जिनकी 500 संख्या एक कैडर की है, ऐसे सब विभागों की हमने लागू कर दी थी, 7 विभागों में लागू हो चुकी है, और अब नई सूचना हमने दे दी कि 500 की बजाय 300 का भी कैडर है तो भी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे इस बार 10 विभाग जो हैं वो इस दायरे में आ गए हैं, तो ये सब के सब अभी 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन ट्रांसफर सब करेंगे, उसकी तैयारी सबकी हो चुकी है। वो उसका सिस्टम है, अप्लाई कराएंगे उनका जो सीनियोरिटी का जो उनका क्रमांक है, उस सीनियोरिटी के हिसाब से जो जगह खाली है, जो जहाँ डिजर्व करता है, जिसकी जहाँ पात्रता है वो वहाँ पहुँचेगा, और हर साल अब कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर के लिए अपने आप को उसमें अप्लाई कर सकता है। पहले था 3 साल बाद करना या 5 साल बाद करना, हाँ जिस किसी को उठाना है उसको शिक्षा विभाग में 3 साल से पहले नहीं उठाएंगे। शिक्षा में 3 साल हो गया, बाकी में हर साल वो होगा। बाकियों में भी अपनी अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, किसी को लगता है मैं 2 साल जरूर रहना चाहिए, किसी को लगता है 3 साल जरूर रहना चाहिए। एक एम्प्लाई को एक स्थान पर कितने साल तक अच्छा रिजल्ट दे सकता है ये हर एक का अलग अलग है। शिक्षा विभाग वालों का कि हमारा 3 साल अगर रहता तो वो अपनी पूरी वो अपना दे सकता है, 3 साल बाद अगर कोई वहाँ जाना चाहता तो उसको उठा देंगे, नहीं जाना चाहता तो 5 साल भी रहेगा, 5 साल बाद उसको कहेंगे जरूर उठना है। अच्छा, 3 से 5 मैक्सिमम।
नहीं नहीं, पिछली बार खुली थी और बीच में हमने कर दी थी, कोई व्यक्ति कोर्ट में चले गए उसके कारण से आधे लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, आधे ने ज्वाइन नहीं किया था, तो सडनली कोर्ट ने उसको रोक दिया था कि भी इसको नए सेशन में करना। अब वो भी जो बचे हुए लोग हैं अब अप्रैल के अंदर वो ज्वाइन करेंगे, वो शिक्षा का ड्राइव पूरा हो जाएगा और इस अप्रैल में फिर से जो बाकी बचे हुए हैं उनका फिर ट्रांसफर होगा। उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, हाँ चेंजेस थोड़े थोड़े अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट करते हैं। इतना ही है कि जनरल जो उसका वो है प्रिंसिपल वो ये है कि एज के हिसाब से उनकी सीनियोरिटी होगी, महिलाओं को सीनियोरिटी के नंबर अधिक मिलेंगे या जो और कुछ क्लासेज डिजर्व करती है उनको मिलेंगे, बाकी उनके कौन से प्लेस जोन क्या होगा, पूरा हरियाणा एक जोन हो सकता है, एक जिला एक जोन हो सकता है या चार चार जिले मिला के कर सकते हैं, तो ऐसा वो अलग अलग से कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ उनके ऑफिस हैं, इसके हिसाब से वो करेंगे। लेकिन ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रयोग हमारा गया है, इसको भी बहुत से स्टेट्स ने अध्ययन करना शुरू किया है, 7-8 प्रांतों ने इसको लागू भी कर दिया है। एक विषय है जमीनों का प्रोक्योरमेंट, ये जो एक्विशन होता है, एक्विशन के एक्ट के कारण से हमको बहुत नुकसान हुआ, खास करके जिन डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मात्रा में ज़मीनें एक्वायर की थी, HSADC है, HSVP है, और इनकी अनाउंसमेंट हजारों हजार करोड़ की अनाउंसमेंट पिछले दिनों कोर्ट्स में आई है, जिसके कारण से वो सारा लोड कंज्यूमर के ऊपर गया है और कंज्यूमर भी बहुत परेशान होता है। पहले तो वो अपने एक रेट से ले लेता है, अब उसको ही नहीं पता होता कि कितने अनाउंसमेंट आ जाएगी, इसके झगड़े बहुत पड़े जिसको हम अभी सुलटा भी रहे हैं, कुछ योजनाएं पीछे बनाई हैं, कुछ आज भी एक दो योजनाएं आपको बताएंगे। तो वो सारा ना हो, या तो उसमें कोई नया एक्ट बने जो हमको सूट करे, जब तक ऐसा नहीं होता तो हमने एक नया उसमें सिस्टम बनाया है, ई भूमि पोर्टल पर जिसको अपनी ज़मीन बेचनी है वो भी डाल सकता है, जिसको खरीदनी है वो भी डाल सकता है। जब खरीदने वाला डालेगा तो उसके उस एरिया में बेचने वाला वो अपना रेट डालेगा, और जिसकी डिमांड नहीं है वो भी डाल देगा ताकि डिमांड वाला उसको देख सके कि ये चीज़ बिकने वाली है। जैसे कि एक्सचेंज होती है, ऐसी एक लैंड एक्सचेंज, ये ई भूमि का पोर्टल, इसमें लगभग अभी तक 9725 किसानों ने 19,000 एकड़ भूमि का अपना पंजीकरण करा रखा है। अभी हमने कितनी खरीदी है वो फिक्र तो नहीं आया अभी, इसमें हमने हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमने कुछ खरीदी भी है, जैसे पिछले दिनों में करनाल का एयरपोर्ट, वहाँ हमको कुछ ज़मीन चाहिए थी, 56 एकड़ ज़मीन उसी में से खरीदी, और वो नेगोशिएशन हो जाती है। कमेटियाँ हैं 3 तरह की, लोकल DC लेवल पर, एक ऑफिसर लेवल पर, और एक सब कमेटी मिनिस्टर्स की। अगर कलेक्ट्रेट पर कोई बेचना चाहेगा तो DC लेवल पर ही उसका फाइनल हो जाता है, और कलेक्ट्रेट से ऊपर शायद 20% तक रखा हुआ वो फिर सेक्टरी लेवल तक होता है। 20% से ऊपर अगर कोई मांगता है अपनी कीमत तो फिर एक सब कमेटी बनी हुई है मिनिस्टर्स की, उसमें अधिकारी भी होते हैं मिनिस्टर्स भी होते हैं, हमको आवश्यकता लगती है कि हाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा है और इस पेमेंट को जो उसने मांगी है उसमें नेगोशिएशन करके देना ठीक रहेगा तो उसको खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा है तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही खनन के जो ठेके हैं इनकी हमने ई नीलामी शुरू की है, इसके बहुत झगड़े होते हैं, बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई है, फिर भी हमने मई 2021 से और इसको स्पीड से करेंगे। जितनी हमारी माइनिंग की बेल्ट्स हैं उन सब में छोटे ठेके, पहले तो बड़े बड़े ठेके होते थे, हमने इसके एक एक के 3-3 किए हैं, और उसको हम सब अब मई 2021 के अंदर सारे इसके ठेके जो हैं ऑनलाइन कर देंगे, कोई आए जिसकी इच्छा बोले जाए। कुल अब 44 हमारे ठेके हैं, 44 पैचेज हैं, जो पहले 11-12 थी तो उसको 44 में कर दिया है, जो खास करके रेत के ये जो नदियों के ठेके हैं ये, तो ये हमने छोटे कर दिए हैं, ताकि बहुत बड़ा बड़ा 500-600 हेक्टेयर का लेने के बजाय कोई 50 हेक्टेयर 60 हेक्टेयर इतने में जो फिजिबल है उसको वो ले जा सके। पावर में हमने बहुत एक क्रांतिकारी बदलाव किया है, हरियाणा में पहली बार 5200 गाँव में 24 घंटे बिजली, मारा गांव, जगमग गांव, ये हमने जो शुरू किया तो 75% गांव ऐसे हो गए हैं जहां 24 घंटे बिजली पहुंच गई है, चारों हमारी कंपनियां वो प्रॉफिट में आ गई हैं, रेट हमने पिछले 6 साल में बढ़ाए नहीं है बल्कि एक बार रेट कम किए थे,
और आगे में किसी पावर प्लांट की थर्मल की जरूरत नहीं है, थर्मल अब बहुत डिस्करेज किया जा रहा है। अब जितना भी है वो हाइड्रो है, सोलर है, विंड है, हाइब्रिड है, ये सब करके हम ले रहे हैं। आज भी हरियाणा इज सरप्लस पावर सरप्लस स्टेट, जितनी हमको आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा है अभी हमारे पास। और कुछ ऑब्लिगेशन हमारी ज़रूर है आरपीओ, जो हमारा ये ग्रीन एनर्जी होती है, तो इस आरपीओ को पूरा करने के लिए हमको सोलर अथवा बाकी हाइड्रो ये सब जो खरीदनी है वो खरीदेंगे उसको। अब एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हाँ वो तो डिमांड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हर दम पावर डिपार्टमेंट से पूछ के बता देंगे, आंकड़े दे देंगे। लेकिन कुल मिला के हमारा जो 9000 मेगावाट हमारे पास बिजली है, खपत इससे कम है। और भी हमने पीछे सोलर के कुछ प्रोजेक्ट्स अपने भी लगाए हैं, पानीपत में लगाया है, अभी एक प्रोजेक्ट कल ही क्लियर किया है, वो है रूफ टॉप का। रूफ टॉप पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, कितने मेगावाट था वो रूफ टॉप का, कुछ एक 20-15 मेगावाट का ऐसा प्रोजेक्ट है, तो वो हमने कल उसका टेंडर दिया है कि वो अपने अपने सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर खास करके वो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में हमने जो आमूलचूल परिवर्तन किए हैं उसमें एक तो कुछ आंगनवाड़ीज को हमने बनाया है प्ले वे स्कूल, तो प्ले वे स्कूल जो है उसका एक बहुत अच्छा डिमांड आने लग गई है, ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है, वहाँ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर दिया है, छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यानी 5 साल से छोटे भी हैं तो उनको, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये आया है कि 5 साल के छोटे बच्चों को शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो हमने 4000 जो प्ले वे स्कूल बनाने हैं उसके अंदर इस बार 1100 प्ले वे स्कूल पहले बना रहे हैं, अगले सालों में इनको और बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरों में भी हर ब्लॉक में कम से कम एक, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये संस्कृति मॉडल स्कूल की भी बहुत डिमांड बढ़ गई है। हालांकि उसमें हमने थोड़ा फीस भी रखी है, जो गरीब विद्यार्थी होंगे उनको फ्री फीस फ्री होगी उनकी, लेकिन जो पे कर सकते हैं उसके उनसे थोड़ा फीस लेंगे। ये प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए हमारे स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, उनका ब्यूटिफिकेशन भी हो, उनमें सुविधाएं भी हो, और टीचर्स की भी जो अच्छे सिलेक्टेड टीचर्स हैं उसमें पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल ये हमने बनाए हैं। तो ये हमारे इस सेक्शन में शुरू हो गए हैं, 250 के आसपास, हाँ हाँ शुरू हो रहे हैं सब, उसमें सिलेक्शन शुरू हो गई है, टीचर्स के एडमिशन शुरू हो गए हैं, इस सेशन से शुरू हो जाएंगे। हमने कंपटीशन के लिए जो विद्यार्थियों की प्रतिभा, गरीब विद्यार्थी की खास करके, सुपर 100 कार्यक्रम चलाया, और सुपर 100 के दो जगह पर सेंटर्स थे, उन दोनों जगह पर जो विद्यार्थी थे उसमें से 83 विद्यार्थी ऐसे हैं जो IIT और मेडिकल कॉलेजों में जिनको दाखिला मिला है, 200 में से 83, यानी 100-100 विद्यार्थी एक एक जगह होते हैं, दोनों जगह 200 थे, अब इस बार संख्या उसकी 200 और कर रहे हैं, यानी 4 सेंटर हो जाएंगे, तो उस यानी जो विद्यार्थियों को, प्रतिभावान विद्यार्थियों को मौका मिले आगे बढ़ने का, ये एक विषय भी हमने चलाया है। बेरोजगार युवक, पढ़ा लिखा युवक, इसके लिए 100 घंटे प्रति महीना की जो स्कीम बनाई हमने उसमें भी 1,29,000 सक्षम युवाओं को विभिन्न विभागों में ये ऑनरेरियम हमने दिया है, और इसमें से संख्या एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग 30,000 से ऊपर ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट हैं जो इसमें से अपना कहीं ना कहीं पक्का रोजगार लेकर के इसमें से बाहर निकले हैं, कहीं नौकरी लग गए, किसी ने अपना रोजगार कर लिया, तो यानी यहाँ उनका जो अनुभव है उस अनुभव का भी उनको लाभ मिलता है। तो 3 साल तक उनको 100 घंटे प्रति महीना काम देकर, पोस्ट ग्रेजुएट को 9,000 रुपया, ग्रेजुएट को 7,500, प्लस टू को 6,000, ऐसा ये राशि भी उनको दी जाती है। एक अच्छा कार्यक्रम ये सफलता पूर्वक ये आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, लगातार नए विचार, नए आइडियाज़ आप जैसे बंधुओं से भी मिलते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी सोचते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमें भी अगर दिन रात में कभी सोचने का मौका मिल जाए तो ध्यान में आता है, लेकिन नए प्रयोग करने में कभी हम हिचकिचाए नहीं हैं। मेरे बारे में कुछ लोग कहने लग गए कि प्रयोग धर्मी मुख्यमंत्री है, तो आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि ऐसा कोई जो विषय लगता है समाज की समस्या को दूर करने के लिए या नया काम किया जाए उसको करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। कर्मी मुख्यमंत्री, धर्मी
प्रयोग दर में। सर जो आपने कहा कि डायरेक्ट पेमेंट होगी किसानों को, लेकिन पंजाब के जो बीजेपी के नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, सुरजीत जानी है, अरजीत ग्रेवाल है, वो कह रहे हैं हम केंद्र से मांग करेंगे कि डायरेक्ट पेमेंट ना हो, आड़तियों के माध्यम से ही पेमेंट हो पंजाब के। देखिए अपने अपने प्रदेश की कोई स्थिति हो सकती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ किसानों ने बहुत स्वागत किया, इसका कोई कठिनाई नहीं है। और हमारा तो एक सैद्धांतिक बात उसके पीछे ये है कि आखिर फसल का मालिक कौन है, फसल का मालिक कौन है? तो जो मालिक है वो चीज बेचता है तो पैसा किसको मिलना चाहिए? मालिक को मिलना चाहिए। अब उनका कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट आड़ती के साथ रखना तो रख ही सकता है, ये व्यापार है, दुनिया करती है। हम आप कोई भी किसी से कोई पैसा लेते देते हैं तो इसमें कोई हस्तक्षेप सरकार का थोड़ी है। जो सामान फैक्ट्री वाला भी बनाता है तो वो जिसको बेचता है पैसा वो उसी को देता है, इसलिए उस सिस्टम से चलने में हमें कठिनाई नजर नहीं आती है और इसमें किसी को दुविधा भी नहीं है कोई। डीसीज को कहा गया कि जहां जितनी आवश्यकता हो उसका वो अरेंजमेंट करके रखें, हर किसी ने अपना अल्टरनेट अरेंजमेंट बना के रखा है ऑन डिमांड, क्योंकि अभी प्रोक्योरमेंट वैसे तो कल 1 तारीख से खोल दी गई है, लेकिन अभी हमें लगता है कि गेहूं थोड़ा सा लेट है, जाके 8-10 तारीख को इसका थोड़ा वजन आएगा। 8-10 तारीख के बाद वो निर्णय ले सकते हैं कि जहां कहीं ज़्यादा आवक हो रही है वहां अलग से परचेज सेंटर, उस पर व्यवस्थाएं कर देंगे और उन व्यवस्थाओं में आड़ती जहां जाएंगे आड़ती पहुंचेंगे, जहां आड़ती नहीं जाएंगे वहां टेम्परेरी लाइसेंस भी हम दे देंगे। देखिए मुझे HCS का थोड़ा ज्ञान आया है थोड़ा सा, जो अभी इस में लग के आए हैं उसमें 90% जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं, HCS JBT या उससे ऊपर के अध्यापक, और वो सब अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे मेरिट के लोग हैं। तो मेरिट वाले लोग आएंगे, बाकी ट्रेनिंग तो HCS की आखिर जब सेलेक्ट होंगे उसके बाद वो ट्रेनिंग तो कर ही लेते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति होगा आखिर पहले भी कंपटीशन में से ही आते हैं ये, तो कंपटीशन में जो नहीं आते हैं जिनको मैं और आप कोई भी तय कर दे अच्छा भी तुम लग जाओ, उसकी मेरिट का तो कैसे आकलन हो सकता, नहीं हो सकता। वो तो इतना आकलन है कि किसने किसके साथ बैठ के चाय पी, कितनी बार पी, वो कोई मेरिट का आकलन तो नहीं है। जो टेम्परेरी लाइसेंस की बात कर रहे थे कि जहां पर आड़ती, अभी मेरा एक ही विषय हुआ, किसानों वाली की बात करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चल रहा है। सुनिए, एक ये हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद हेतु जानकारी डॉक्यूमेंट version 1, ये जो SOP का मैंने बनाया है, ये इतनी बड़ी पुस्तक है, ये हम सब लोग इसको देख सकते हैं और इसको कॉपी है सर, अब जाते समय ये भी बढ़ सकती है, कॉपी कितनी आई है? 20-25 तो फिर नहीं पूरी हो पाएंगी, नहीं पूरी नहीं हो पाएंगी, रुक जाओ, फिर आप कुछ तय करके PDF को दे देंगे टर्मिनल बटवाएंगे तो। लेकिन इसमें हर एक बात का जो हमारे प्रश्न होंगे उसका उत्तर इसमें है, फिर भी कोई और सुझाव आएगा तो अगले वर्षन में उसको जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं लगता है कोई बड़ी बात रह गई तो उसको अलग से उसकी एक इंस्ट्रक्शन बना करके उसको हम सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन इस SOP का मतलब ये कि किसी को असमंजस ना रहे कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और हम चाहते हैं कि जमीन से उगा हुआ एक दाना वो किसी न किसी मुँह में जाना ये जरूर चाहिए, कहीं वेस्ट नहीं हो। एक विषय जो और इसके साथ मुझे जोड़ना है वो है, हमने बजट में घोषणा की विवादों का समाधान। विवाद बहुत से हैं, बहुत विवादों का समाधान हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भी HSIDC का हमने किया है, तो कुछ एक दो आज भी नई घोषणा मैं करूंगा, लेकिन जो पहले हो चुके हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक नई योजना हमारी है वो है मार्केटिंग बोर्ड। मार्केटिंग बोर्ड में जो दुकानें हमने अलॉट की हुई हैं उस अलॉटेड दुकानों के अंदर उनके पैसे रुक गए, किन्हीं भी कारणों से रुके, फिर उसके बाद उनका ब्याज शुरू हो गया, फिर पेनल्टी शुरू हो गई, अब सीमा इतनी ज़्यादा हो गई कि हर किसी को देने में कठिनाई आ रही है।
और कहीं एक्सटेंशन फीस, ये एक सबसे बड़ा पता नहीं क्या सोच के बनाया गया होगा, वो कुछ सालों तक तो ग्रेजुअल बढ़ता है और कुछ सालों के बाद बढ़ने की उसकी जो स्पीड है हर साल डबल। अब हर साल डबल में अगर 5 बार डबल हो जाए तो कितना हो जाएगा, एक साल में 2, दूसरे साल में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16 और पांचवें में 32। तो वो 2-3 साल बाद कहता है जी आप अपनी दुकान वापस ले लो, मेरी जान छोड़ो। डिपार्टमेंट कहता नहीं पहले पैसे दो, हाँ फिर वापस लेंगे, नहीं तो वापस भी नहीं लेंगे, पैसे भी लेंगे। हाँ, और साल बाद वो ना पैसे दे पाता ना दुकान दे पाता, अगले साल और डबल हो जाते हैं। तो ऐसी घुमरघेरी में चीजें फंसती हैं जिसके कारण से ये विवाद बने हैं। हमने उसको थोड़ा सरल किया है। सरल क्या किया है, एक तो जो पीनल इंटरेस्ट है, ये लगभग दुकानें हैं कितनी हैं, 2421 जो आवंटी हैं वो डिफॉल्टर हैं, तो इनका जो बाकी पेमेंट है, नहीं वो दूसरा नहीं जुड़ा ना, 824 था वो तो दूसरे का था, इनका यही है 1131 करोड़ रुपए की राशि बकाया है सब मिलाकर, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट। तो हमने पहले काम में तो ये किया कि जो पीनल इंटरेस्ट है वो क्या किया, पूरी तरह पूरा माफ कर दिया। इसमें अलग अलग है पीनल इंटरेस्ट कितना है, 150 करोड़ पीनल इंटरेस्ट 1121 में से वो पूरा माफ कर दिया। और इसके बाद जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में भी कितने परसेंट, 40% जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें से भी माफ कर दिया। दोनों मिला के 370 करोड़ हो जाता है। दोनों 370 करोड़ माफ होने के बाद, हाँ, तो बाकी जो बचा है उस बाकी बचे को यदि ये 15 जून तक 764 करोड़ रुपए बाकी बचा है तो ये 15 जून तक अगर ये जमा करा देंगे तो इस योजना का उनको लाभ मिल जाएगा। यानी लगभग 1121 में से 700 करोड़ 400 करोड़ खत्म हो गया तो ये 40% के लगभग सारे में टोटल में माफ हो जाता है। और मैं समझता हूँ बड़ी राहत ये हम आज उनको दे रहे हैं, कल प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू है तो बहुत वर्गों को दिया है, तो आड़तियों को भी, क्योंकि सब आड़ती हैं ये, आड़तियों को भी आज हम 400-425 करोड़ रुपया ये उनके लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो बाकी 3 महीने में, 15 जून इसलिए रखा है कि भी 15 जून तक इनकी इनकम वगैरह भी हो जाएगी, आड़त के पैसे भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, तो इनको तो हो सकता है मुफ्त ही पड़ जाए इस बार के सीजन में। तो कुल मिला करके वो उनसे पूछ लेंगे, लेना है वो नहीं ले रहे। एग्रो, हाँ हमारे ध्यान में है सब, ध्यान में है सब, ध्यान में नहीं, सब ध्यान में, सब ध्यान में है। डिपार्टमेंट को कह दिया है, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। पंचकुला में तो एक मार्केट बना भी दिया है, फ्लोर के ऊपर मार्केट है, कुछ कुछ फ्लोर बीच बीच में किराए पर चल रहे हैं, सरकारी ऑफिस है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि बहुत पैसा उस पर खर्च हुआ हुआ है और उसका जो उपयोग होना चाहिए उस प्रकार से पता नहीं क्या सोच के बनाया गया होगा, लेकिन वहाँ किसान जो है अपनी मंडी उस एयर कंडीशन में जाके बनाएगा। देखिए किसान का अपना एक वातावरण होता है, उस वातावरण को जिस जाके बेच सकता है वहाँ उस जगह पर, या तो कोई व्यापारी ले या कोई और हो, लेकिन जितनी उसकी कॉस्ट बैठ गई उस कॉस्ट में वहाँ जा करके ये चीज़ अभी संभव नहीं लग रही है। विदेशों में कहीं संभव हो गया होगा लेकिन यहाँ वो नहीं है, तो उसको आप दूसरा उपयोग क्या हो सकता है उसका विचार करके उसको मोनेटाइज कर लेंगे उसको। ऐसे ही कुछ और योजनाएं हैं जो हमने पहले की हैं, वो सरकार पिछले दिनों में हमने हरको बैंक की
एक योजना निकाली थी, उसमें भी उसका है कुछ अर्को का। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एचएसआईडीसी में हमने 4-5 योजनाएं घोषित की हैं। सबसे पहले उनका पीनल ब्याज वो सारा माफ़ किया, और जो ओवरड्यू ब्याज है उसमें भी 25% की छूट की थी। इसमें 225 करोड़ रुपया लोगों का लाभ हो जाएगा 1500 करोड़ में से, तो 1500 करोड़ की राशि में से 225 करोड़ रुपया लाभ हो जाएगा, और 30 जून तक ये राशि उनको जमा करानी है। ऐसे एक्सटेंशन फीस, इसमें इसमें भी कुछ रेट्स को रैशनलाइजेशन किया है, और पहले के अपेक्षा टेबल नहीं बनाई आप लोगों ने भाई, पहले के अपेक्षा इसमें काफी कम किया है। एक चीज जो इसमें नए सिरे से की है कि पहले जो डबल डबल का मामला था वो सब खत्म कर दिया है। 6 साल के बाद यदि कोई प्लॉट नहीं बना सकता तो उसका वो प्लॉट ले करके और उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। ऑक्शन के 3 प्रकार होंगे, या तो वो आदमी सरेंडर कर देता है, सरेंडर करने में 10% की राशि जो उसने पहले जमा कराई थी लेने से पहले, जिसको अर्नेस मनी कही जाती है बुकिंग से पहले, वो जब्त होगी, और उसके बाद जो 90% है उस 90% में 50% या 10% ज़्यादा 10% ऑफ द टोटल, या जो जमा कराई उसका 50%, विच एवर इज हायर वो ली जाएगी, विच एवर इज लेसर जो कम है वो ली जाएगी। यानी टोटल मिला के टोटल जो कीमत है सरेंडर करने के बाद उसका 20% से ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 पहले वाला 10 और बाद में। लेकिन किसी ने 10 के बाद टोटल जो अगला 15% है या 20% है, 20 से कम जमा कराया होगा तो उसका 50% स्वाभाविक है 10 से कम बनेगा, तो 10 से कम बनेगा 10 पहला और ये 10 से कम, वो उससे नीचे ही रह जाएगा। अर्थात 15 और जमा कराया है, 10 पहले वाला, 15 का 7.5 तो 17.5 ही देना पड़ेगा, 20 नहीं देना पड़ेगा, तो वो सरेंडर कर सकता है। एक उसमें सरेंडर की है कि सरेंडर्ड ऑक्शन, वो ये कहता है कि मैंने सरेंडर किया, आप इसको मेरे कहने पर ऑक्शन कर दो, उसका ऑक्शन करेंगे, जितना ड्यू है ओवर ड्यू उसके ऊपर बाकी बचा हुआ वो ले लेगा डिपार्टमेंट, उसकी पेमेंट अगर उसको जमा हुई हुई है वो उसको दे देंगे, इसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 50-50 बांट लेंगे, ताकि उसके मन में भी कोई लालच चीरा रहे कि मेरा प्रॉफिट था गवर्नमेंट क्यों ले गई। गवर्नमेंट को ये नहीं कि जिसने दिया तो कुछ है नहीं, इसलिए तो प्लॉट तो हमारा ही है। तो मैंने कहा उसकी बुकिंग भी अगर हुई हुई है और फिर भी वो सरेंडर करके ऑक्शन कराना चाहता है तो प्रॉफिट आएगा तो 50-50, ऑक्शन में लॉस हो गया तो सारा उसको भरना पड़ेगा। लेकिन उसमें जितना पैसा जमा कराया हुआ है उसी सीमा तक उसको भरना पड़ेगा, इससे ज्यादा लॉस है तो नहीं भरना पड़ेगा और कुछ नहीं देना पड़ेगा, ताकि वो लॉस में भी छोड़ करके जाना चाहे तो जाए। और थर्ड है यानी सरेंडर्ड ऑक्शन नहीं है, वैसे ऑक्शन है। ऑक्शन यानी 6 साल अगर हो गए और उसने नहीं बनाया तो एक नोटिस दिया जाएगा कि आपके इस प्लॉट को ऑक्शन कर रहे हैं। उस ऑक्शन के बाद वही नियम, प्रॉफिट है तो 50-50, लॉस है तो उसका, ताकि ये मामला कोर्ट में ना जाए, जो इसके ऊपर सहमत होगा वो बाहर ही बार फैसला हो जाएगा। और ये प्लॉट्स कई हजार हैं ऐसे जिन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के जिनके झगड़े पड़े हुए हैं उस यानी एक्सटेंशन फीस के, तो एक्सटेंशन फीस बहुत लोगों ने कई कई साल से लेके रख लिए लेकिन उसको बनाया नहीं है। आज इसको भी 6 साल पूरे नहीं हुए तो उसको 1 साल के अंदर अंदर मानो 1 साल का टाइम और दिया जाएगा। अगर 5.5 भी हो गए तो 1 साल का टाइम और देंगे, 5 से अगर ऊपर हो गए तो 1 साल देंगे, और 5 से नीचे हैं तो फिर 6 साल जिस दिन होंगे।
छः साल के बाद ये पॉलिसी लागू हो जाएगी ताकि उसको हमेशा हमेशा वो प्लॉट उसके गले में ना पड़ा रहे। उनका उनका एक साल और देंगे, एक साल सबको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज निर्णय लिया तो आज ही कुछ कर रहे हैं, या तो एक साल में बना ले, नहीं तो हमारी पॉलिसी बन जाएगी। फिर कुछ लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के भी कई झमेले होते हैं। वो अप्लाई कर देता है, फिर उसकी इंस्पेक्शन करता है डिपार्टमेंट, और जाके कोई कॉमा लगाता है क्लर्क, उस कॉमे पर खेल चलता रहता है कई कई साल तक। फिर उसमें जहाँ उसी नहीं मिला तो वहाँ वो शुरू हो जाता है एक्सटेंशन फीस। अब उनकी भी जान किसी तरह की छूटे, तो हमने ये कहा कि जिस दिन आपने ओसी अप्लाई किया है उसके 6 महीने की आपको एक्सटेंशन फीस लगेगी, 6 महीने, या उससे पहले अगर इंस्पेक्शन हो गई है तो फिर उस समय तक, इंस्पेक्शन लेट हुई है तो सिर्फ 6 महीने, 6 महीने की एक्सटेंशन फीस देना। ओसी की डेट मान करके कंपाउंडेबल जो है उसका जुर्माना, कंपाउंडेबल का जुर्माना लगा करके और ओसी दे दी जाएगी। अगर नॉन कंपाउंडेबल है तो अभी ओसी नहीं मिलेगी, उसको फिर चाहे तोड़ना पड़े चाहे रिज्यूम करना पड़े, क्योंकि ये नहीं है कि करना तो कुछ और था और कर लिया, उसने गली भी घेर ली और उसने किसी और का प्लॉट घेर लिया, या जितना आगे पीछे उसको छोड़ना था उसके बजाय सारा ही उसने रगड़ दिया। आखिर कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को हमको ज़रूर पालन कराना पड़ेगा। वो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पिछला बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर इंस्पेक्शन हो गई तो उस समय तक, नहीं हुई है तो मैक्सिमम 6 महीने, इंस्पेक्शन चाहे अभी हुई है चाहे नहीं हुई है, उसने अप्लाई कर दिया उसी तो उसको दे देंगे। प्लॉट कोई नया लेता है तो उसको एक छूट दिया कि अगर वो 45 दिन के अंदर एकमुश्त पेमेंट कर देता है या नीलामी की तारीख से 60 दिन के भीतर पेमेंट कर देता है तो उसको टोटल कीमत का 10% छूट। अब ये छूट देने के बाद किसी को लगता है हमारे पास तो पैसा नहीं है, या उससे पहले सेटलमेंट में भी किसी को पूरा पैसा भी नहीं दे पा रहा, रखना भी चाह रहा है, इसके लिए हमने बैंकों से कॉन्टैक्ट कर लिया है। सिडबी बैंक ने यह कहा कि वो पैसा हमारे से ले लें और बैंक को फिर अपनी किस्तें देते रहें, डिपार्टमेंट अपना पूरा ले लें, बाहर हो जाए, फिर हम बाहर हो जाएंगे, प्लॉट सिडबी बैंक का हो जाएगा और सिडबी बैंक को अपना किस्तें देते रहो और अपना करते रहो, हमारा ना कोई फिर ओसी का चक्कर, ना कोई इसका चक्कर उसका चक्कर, कोई चक्कर नहीं। एक स्कीम जो प्रेस्टीजियस प्लॉट हम देते हैं, प्रेस्टीजियस प्लॉट में सामने वाला कमिट करता है कि मैं इतने करोड़ रुपए की पेमेंट करूँ, वो इन्वेस्टमेंट करूँगा और इतनी उसमें एम्प्लॉयमेंट दूंगा, और बाद में जितना कमिट किया था, क्योंकि उसका लाभ तो ले जाता है प्रेस्टीजियस का, कुछ लाभ जोड़े हुए उसमें, बाद में उसको कर नहीं पाता, कई बार उसको पता नहीं होता और कई बार गलत बोल के करवा लेता है और वो भी इसी चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि वो छोड़ वो नहीं सकता और उसने जो ग्रांट पैसा लिया हुआ है वो सारे का सारा वापस मांगता है डिपार्टमेंट, सारा वापस देता नहीं है। उसको भी एक राहत दी है कि कितने परसेंट उसने वो कमिटमेंट पूरी की है, मानो उसने 50 करोड़ करना था और 25 करोड़ कर दिया तो 50% किया, तो 25-50 की एक स्कीम बना दी है, एक 50 की 75 अप टू 75 कर दिया और एक अबव 75 लेकिन 100 से कम एक उनकी स्कीम बना दी है। उसी हिसाब से उनकी एक परसेंटेज टोटल उस प्लॉट की वो अपना जमा कराए और अपने को उसका जो ग्रेडेशन है, हाँ, रेट जो उसका लगेगा वो फिर उस जो प्रेजेंट रेट है, नहीं उसको रेट का क्या करेंगे, अच्छा वो जो जितने परसेंट लगाएंगे उसी में क्लियर कर देंगे, उसके ऊपर एक परसेंटेज जुर्माना लगा दिया, वो जुर्माने से फिर उसको अलॉट कर देंगे, उसको उसी दे देंगे। तो उसको, हाँ तो उसके ऊपर जुर्माना लगा के उसको छोड़ देंगे।
HSIDC ने और हरियाणा फाइनेंस कमीशन ने कुछ लोनिंग की हुई है और वो लोनिंग भी बड़े भयंकर रूप से उनके खिलाफ आउटस्टैंडिंग हो गई है, वो सारी उम्र भी उसको दे नहीं सकते, उसकी भी स्कीमें बनाई हैं और उस स्कीम में जिस दिन वो NPR हो गया है, NPR कहें क्या कहेंगे, NPA, हाँ सॉरी नॉन परफॉर्मिंग, तो उस दिन तक ही उससे जो वसूला जाएगा उसका ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट और उसका ब्याज। यानी अंतिम भुगतान तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज तथा अन्य खर्चों को जोड़ा जाएगा, ऐसे सेटलमेंट क्या है ये आप बता दीजिए जरा। इसके भाग इस तरह से कि एक तो टर्म लेंडिंग की है, तो जिस तारीख को NPA हुआ, NPA होता है 6 महीने जब से डिफॉल्ट शुरू हुआ, कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर्स का अगर डिफॉल्ट हुआ तो उसको NPA मानते हैं, तो यानी मूल प्लस 6 महीने का ब्याज ये NPA अमाउंट हुआ। इस NPA अमाउंट के बाद का जो ब्याज है या पीनल इंटरेस्ट है वो पीनल इंटरेस्ट तो माफ कर दी जाएगी और जो ब्याज है जो 13.5% की ब्याज लगती है उसमें 3% ब्याज की छूट देके उसको हम क्लियर करा देंगे, यानी कोई पीनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं, तीन और सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, उसमें भी अगर उसके 1 महीने के अंदर, आज से 1 महीने के अंदर देगा तो 3% छोड़ेंगे, 1 महीने से 2 महीने के बीच में छोड़ेगा तो 2% देंगे, 2 महीने और 3 महीने के बीच में छोड़ेगा तो 1% देंगे, और 3 महीने के बाद पूरे 13.5, ये ना। हाँ जी सर, यही है, तो इसको ग्रेडेड स्केल में रिलीफ दी है कि जो जल्दी दे देगा तो उसको पूरा रिबेट मिल जाएगा, और कौन सी आगे जैसे जैसे डिले करता है उसको 1-1% इंटरेस्ट का हर महीने का कम मिलेगा। जो 25 लाख तक की डिफॉल्ट थी और खासकर ये हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पुरानी डिफॉल्ट है उसमें हम सेटल कर देंगे 2 गुना, यानी मूल और NPA की अमाउंट है उसके 2 गुना में उस सारे पेमेंट को सेटल करा देंगे। तो इसमें तकरीबन 800-900 डिफॉल्टर्स हैं, ये सारे उनको रिलीफ मिल रही है, और 25 लाख से कम वाले हैं उनका तो उम्मीद करते हैं कि ये मोरलेस सारा का सारा ही क्लियर हो जाए। HFC से अमाउंट है तकरीबन 720 करोड़ के आसपास। तो मित्रों, ये जो विवादों का समाधान है इसमें हर एक डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि आपकी जितनी पेंडेंसी है सब निकाली, जनता को अनावश्यक तंग करने की बजाय एक रीजनेबल तरीके से हम उनका एक कैलकुलेशन करके उनसे डिमांड करें, और रीजनेबल तरीके से डिमांड करने के बाद भी किसी वर्ग की कोई ऐसी विशेष कठिनाई है उसके हिसाब से उसका समाधान करें। जमीन प्लॉट ये तो कुल मिला के या तो सरेंडर करें, सरेंडर करने के बाद रिज्यूम करें या उसकी ऑक्शन करें, यही उसका एक तरीका फार्मूला और कोई नहीं है। और जो बिल्कुल कुछ दे ही नहीं सकता, जिसकी स्थिति नहीं है देने की, उसके लिए अलग स्कीम प्लान बनाएंगे, उसमें इंटरेस्ट है, पीनल इंटरेस्ट है, आखिर यही चीज़ें हैं जिसके हम रियायत दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर लिटिगेशन को कम करना, लोगों को राहत देना, और बहुत से डिपार्टमेंट हैं अपनी अपनी योजना बना रहे हैं, उसको पहले बताना शायद ठीक नहीं है। तो जो जो मतलब कई विभाग हैं जिनकी पेंडेंसी बहुत है, कई कई केसेज हैं, लाखों लाखों हजारों हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, तो वो सारे अपने अपने स्कीमों को बना रहे हैं, और जो कोई फाइनल होती जाएगी वो आपको हम बताते जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ महीने भर में कुछ ना कुछ स्कीमें और लाएंगे। ऐसे कुछ अगर केसेस आप बता देंगे तो हम उसकी व्यवस्था, मतलब ऐसा अगर चल रहा है तो ये नहीं चलना चाहिए, नहीं चलने देंगे माने उसको, अगर हमें एरिया वाइज भी, क्योंकि उसको बिल्कुल एकदम नीचे लेवल पर छोड़ना तो उचित नहीं है,
बहुत गड़बड़ी नीचे हो जाती है, मंगवाना तो पड़ेगा यहाँ, लेकिन यहाँ उसकी मशीनरी हम इतनी बनाएंगे कि यहाँ डिले ना हो, जितना जल्दी जितने केसेस आते हैं कितना जल्दी जल्दी उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके उसको ठीक कर सकते हैं उसका प्रबंध कराएंगे। अगर ऑनलाइन सिस्टम है आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई करनाल में बैठ कर करे या चंडीगढ़ बैठ के करे पंचकूला बैठ के करे उसका कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी एक जगह सेंट्रलाइज इसलिए करना पड़ता है कि जो विवाद होते हैं विवादों का समाधान अगर ऐसा हो कि सबके लिए एक जैसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पिकेट चूज करके विवादों का समाधान करने लग गए तो उसमें क्या समस्याएं खड़ी होती हैं आपको पता है। ये सर इसमें ये भी बताया जा रहा है जो आईएएस अधिकारी जो इसको करते हैं मतलब यहां पे चंडीगढ़ के अंदर तो पंचकुला के अंदर उनका ये कहना है कि ये बाबूओं का काम है हमको सौंप दिया गया है इसलिए इस ईगो की वजह से कि वो काम नहीं नहीं अब बाबू और आईएएस और मुख्यमंत्री कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, हमारे यहाँ सब काम करने वाले लोग हैं और कोई काम नीचे ठीक नहीं हो रहा तो उसको जिम्मेदारी ऊपर वाले आदमी की होती है वो करेगा ही, अगर किसी आईएएस जूनियर आईएएस से नहीं होता तो उसे सीनियर करेगा, सीनियर से नहीं होता तो फिर चीफ सेक्रेटरी करेगा। आखिर समस्याओं का समाधान जो है विवादों का समाधान ये समाधान करने की तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी, अब लेकिन हर किसी की अनुभव और उसकी योग्यता के हिसाब से अगला हर कोई कर पाता है। सर फसल खरीद को लेकर जो पहली फसलें थी इससे पहले जो पिछला सीजन रहा है उसमें तो छूट दी गई थी कि किस तरह से पेमेंट लेनी है, ये सारी की सारी जो गेहूं की फसल है इस बार पेमेंट सिर्फ सीधे किसानों को होगी, और इससे जुड़ा सवाल ये है कि जो कृषि कानून है उनमें कहते हैं कि कहीं की भी फसल खरीदी जा सकती है बेची जा सकती है, क्या हरियाणा बाहर से आने वाली फसलों को भी खरीदेगा इस बार? देखिए इसमें पहले निर्णय करना पड़ेगा कि हमको कौन से कानून में चलना है, पुराने वाले कानून में चलना है कि नए वाले कानून में चलना है, अगर तो पुराने वाले कानून में चलना है नया लागू नहीं होने देना तो तब तक तो पुराना चलेगा, जिस दिन नया लागू हो जाएगा उस दिन पुराना खत्म हो जाएगा, तो दो चीजें नहीं चल सकती कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, अभी पुराने चल रहे हैं, आज की डेट में नए कानून पर स्टे है तो इसलिए नए कानून में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसकी बात करने का कोई लाभ इसलिए नहीं है कि नया कानून लागू नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं नए कानून के हिसाब से ये लाभ है तो उनको मेरी अपील है कि नया कानून लागू होने दें। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कंसर्न दिखाया है कि यूके स्ट्रेन जो है कोविड का इट्स डेडलीएस्ट, आपने खुद माना है कि पहले हम कंट्रोल कर चुके थे लेकिन एक बार फिर से 900-800 के रोजाना के केसेस आ रहे हैं, क्या समझते हैं पब्लिक की भागीदारी उतनी नहीं बन पा रही क्योंकि प्रशासन तो अपनी तरफ शक्ति के निर्देश नहीं रखे, क्या कुछ कदम आने वाले समय में इस स्ट्रेन को देखते हुए क्योंकि घातक है उसको लेकर सरकार उठा रही है? देखिए वैसे तो ये सारी जो निगरानी है ये हमारे MHA और केंद्रीय जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वो सब रखे हुए हैं, और केवल यही नहीं बल्कि वैश्विक लेवल पर भी WHO भी इसमें गाइड करते हैं, लगातार उनके साथ संपर्क रहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं भी रेगुलर बीच बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो गाइड करते हैं, तो ऐसा सामूहिक प्रयत्न है, जैसे जैसे गाइडेंस हमको ऊपर से मिलती रहेगी उसका तो हम पालन करेंगे ही, और जो चीज़ें वर्तमान में जो पहले हमने लागू की थी उसको लागू करने के लिए मैंने बात बता दी है, थोड़ा और इसमें जो पहले प्रावधान किए गए थे जो अभी हमने विचार करना है उसको हम एक दो दिन में बैठ करके विचार करेंगे, जैसे मानो संस्थाओं में अटेंडेंस जो है पहले कुछ लोगों को वर्क एट होम के लिए कहा गया था, कहीं 50% अटेंडेंस कही गई थी, कहीं गैदरिंग की एक लिमिटेशन लगाई गई थी, स्कूलों को हमने बंद किया था, इंडस्ट्री में भी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो सारी अभी विचारणीय है कि अगर हमको लगा कि हाँ ये चीज़ें नहीं रुक पा रही हैं तो उसको करना ही पड़ेगा, और लगा कि हाँ चीज़ें